हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र हाजिर हूँ यूट्यूब की एक और खूबसूरत वीडियो लेकर। रोजाना की तरह आपकी सेवा में एक बार फिर से आप अपना कीमती समय निकाल कर करके काम छोड़ कर वीडियो को देखने के लिए आते हो, इसलिए दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। भगवान सदा आपको खुश रखे। कि जो हमारी वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो है कि गाँव में कौन सा बिजनेस करें। तो इस वीडियो में मैं आपको दोस्तों चार पांच बिजनेस बताने वाला हूँ जिनको आप गांव में रहते हुए ही गांव में शुरू कर सकते हो। आपको शहर जाने की जरूरत नहीं और गांव में रहते हुए महीने का अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन इनको बताने से पहले आप सभी भाई बहन से बोलना चाहता हूँ कि जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस लाल रंग का जो बटन बना हुआ आप देख रहे हो इस पर क्लिक करोगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे मुफ्त में। साथ में जो बेल होती है, घंटी होती है छोटी सी, उसे भी दबा दिया करो ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और SMS आपके मोबाइल पर समय से मिलता रहे जब भी मैं वीडियो डालू अपने चैनल पर। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास सब्जियों का बिजनेस। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको हम सदाबहार बिजनेस बोल सकते हैं। तो इसको शुरू करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास कहाँ पर बेचें, ठीक है। हाँ तो यही आगे कि हम शुरू भी कर लेंगे गांव में तो कहाँ पर बेचेंगे। गांव में बेच सकते हो आप, बाजार में बेच सकते हो, ठीक है। सब्जी मंडी जाकर सब्जी बेच सकते हो, सुबह सुबह आपको अच्छा भाव वहां से मिल जाएगा। नंबर 3 पर है ये लाइसेंस। अगर आप सब्जियों का काम शुरू करते हो तो इसके लिए किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। नंबर 4 पर है ये हमारे पास कितने बंदों की जरूरत होगी इस काम को शुरू करने के लिए। कम से कम 2 बंदों की जरूरत होगी इस काम को शुरू करने के लिए, वो चाहे आपको कोई भाई बहन हो, चाहे कोई मित्र दोस्त हो, चाहे फिर आप किराए पर बंदे को रख सकते हो। नंबर 5 पर है ये हमारे पास कितने पैसे लगेंगे। देखिए 50,000 से लेके 1 लाख तक आप इस काम को शुरू कर सकते हो कर सकते हो। वैसे अगर आपकी खुद की जगह है तो 50,000 में ही ये काम स्टार्ट कर दोगे आप तो अच्छा रहेगा। इतना मुश्किल नहीं है काम, बहुत आसान है। और सब्जियों का जो बिजनेस है दोस्तों वो सदाबहार बिजनेस है, ये कभी नहीं रुकेगा जब तक दुनिया है। नंबर 2 पर है जो हमारे पास जिम को खोलना, ठीक है। अगर आपके घर में थोड़ी बहुत जगह है जहाँ आपके खेत में है, घर में है, तो वहाँ पर एक कमरा खाली पड़ा है तो उस कमरे में आप जिम को खोल सकते हो। पैसा कितना लगेगा इस काम को शुरू करने के लिए, 10 लाख या 8 लाख में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, 5 लाख में हो जाएगा, ठीक है। आप पहले छोटी छोटी चीजें रख लो, बाद में जब आपके पास ग्राहक आने लगे तो उसको धीरे धीरे बड़ा करते हैं आप इस काम को। तो नंबर 4 पर है जी लाइसेंस। इसके लिए भी आपको किसी किस्म की लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बिना लाइसेंस से आप इस काम को कर सकते हो। आगे है ये हमारे पास कमाई। उदाहरण के तौर पर आप एक कम से कम 1 महीने का 20,000 से लेकर 30,000 आराम से कमा सकते हो, ठीक है। अगर आप एक बंदे की भी 2,000 या 1,500 फीस रखोगे तो अगर आपके पास 10 बंदे भी आते हैं तो आप अच्छा पैसा महीने का कमा सकते हो इस काम से। तो नंबर 6 पर है ये कितने बंदों की जरूरत होगी। 2, बस इससे ज्यादा नहीं, 2 बंदों की जरूरत होगी इस काम के लिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप गांव में शुरू होने वाला जिम का
का बिजनेस है जिम को खोलना। आप घर में खोल सकते हो, घर में जगह नहीं है तो बाहर किसी के पास कमरा खाली पड़ा होगा, वहां खोल सकते हो। नंबर 3 पर है जी हमारे पास बीज की दुकान को खोलना। जो खेती में बीज का इस्तेमाल होता है आप उनकी छोटी मोटी दुकान कर सकते हो, घर में कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि लोग जो शहर जाकर बीज खरीदने जाते हैं वो आपके पास आएंगे सीधा चलकर, क्योंकि उनका एक तो टाइम बचेगा, नंबर 2 पर उनका जो बस का किराया है वो भी बचेगा। कहाँ पर बेचें, गांव में बेच सकते हो, बाजार में जाकर बेच सकते हो, ठीक है। वैसे तो गांव में ही आपके बिक जाएंगे सारे के सारे। नंबर 2 पर है लाइसेंस। दोस्तों इसके लिए भी आपको किसी किस्म के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। नंबर 3 पर है जी कितने बंदों की जरूरत होनी चाहिए। 2 बंदों की जरूरत होनी चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। नंबर 4 पर है ये कितना पैसा लगेगा। कम से कम 50,000 से लेकर 1 लाख तक आप इस काम को शुरू कर सकते हो। आगे है ये हमारे पास कमाई। 20,000 से लेकर 50,000 महीना आप खाद के जो खाद का जो बिजनेस है, बीजों का खाद का, उससे आप कमा सकते हो घर बैठे। तो अगर आप कोई गांव में बिजनेस करना चाहते हो तो इनमें से एक को शुरू कर लीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप प्रॉफिट में रहोगे। और आज की जो वीडियो मैं बातें बताई मैं वो आपको कैसी लगी, उसे लाइक करना, वीडियो में कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं इसी समय और इसी चैनल पर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। बाय बाय, टेक केयर।